सो इन प्रीवियस लेक्चर दैट इज यस्टरडे वी अंडरस्टूड कि प्रोटीन जो होता है वो चार अलग अलग स्टेजेस में फोल्ड होता है और फोल्ड होकर एक्टिवेट होता है. Where we also spoke that every protein gets activated at different stage. Primary structure pe there is rarely any protein which gets activated, but for secondary structure there are some proteins which will get activated at secondary structure. Now of the some protein, one example we've done yesterday, which is what? Insulin being one example. ठीक है. इसके अलावा यू हैव एक्टिन प्रोटीन, नाम तो सुना है, मायोसिन, कोलेजन. दीज आर द प्रोटीन्स व्हिच गेट्स एक्टिवेटेड एट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. टॉकिंग अबाउट प्रोटीन दैट गेट्स एक्टिवेटेड एट टर्शियरी स्ट्रक्चर, फॉर बैच टू हैव गिवन एन एग्जांपल, अ प्रोटीन व्हिच गेट्स एक्टिवेटेड एट टर्शियरी स्ट्रक्चर, अ प्रोटीन दैट एक्ट्स लाइक हीमोग्लोबिन बट इट इज प्रेजेंट इन मसल, व्हिच इज दैट प्रोटीन? मायोग्लोबिन. कौन है? सो मायोग्लोबिन बिकम्स एक्टिवेटेड एट द टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फॉर क्वार्टरनरी वी हैव एन एग्जांपल ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है. पोस्ट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटीन्स दे कैन बी क्लासिफाइड. You can have classification of protein. Protein को आगे हम classify कर सकते हैं दो चीजों के basis पे. एक तो उसका structural component कैसा है, तो based on its structure, और दूसरा based on its function. One is based on its structure and other is based on its function. So when I talk about based on its structure, you have something called as simple protein. अब ये simple protein क्या होते हैं? Simple protein simple होते हैं, यानी कि they are composed of only amino acids. Amino acids के अलावा और दूसरा कोई chemical नहीं होता इनके पास. तो इस type के protein को you call it to be as सिंपल प्रोटीन्स. ठीक है. दे आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड चेन ओनली, इसके अलावा और कुछ नहीं होता. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इस टाइप के प्रोटीन का? सो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोटीन, रेड कलर इज सीन एवरीवन. एग्जाम्पल हिस्टोन प्रोटीन, नाम तो सुना होगा, हिस्टोन प्रोटीन. वन इज हिस्टोन प्रोटीन, नाम सुना है सबने. मानसी हिस्टोन प्रोटीन क्या काम का आता है बेटा? किसका पैकिंग, तेरा या मेरा या कपड़े का पैकेजिंग? व्हाट, बराबर बोली, बट किस चीज का पैकेजिंग? डीएनए का पैकेजिंग. डीएनए के पैकेजिंग में यू विल रिक्वायर हिस्टोन प्रोटीन. इसके अलावा ना एक और प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं जी. ये हमको मिलता है जी मेज में से. पता है जी मेज क्या होता है? जी मेज इज नथिंग बट मेज. मेज का साइंटिफिक नेम होता है जी मेज. ठीक है, आप क्लियर? मेज पता है? मक्का ही भुट्टा. ठीक है, खाए वो रुद्रिया वही. अरे दोनों रुद्रिया आगे पीछे बैठे. चलो गोइंग अहेड, ये हो गए सिंपल प्रोटीन. फिर आते हैं समथिंग विच इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. कॉन्जुगेशन म्हणजे किसी के साथ कंबाइन होना, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेशन. ठीक है, कॉन्जुगेट प्रोटीन क्या होता है? इसमें प्रोटीन तो होता ही है,
लेकिन साथ ही में एक नॉन प्रोटीन ग्रुप भी होता है इसके पास। अगर ये नॉन प्रोटीन ग्रुप नहीं आता तो ये प्रोटीन भी एक्टिवेट नहीं रहता। समझे क्या होता है? कॉन्जुगेट प्रोटीन में दो कंपोनेंट्स रहेगा, एक प्रोटीन कंपोनेंट और एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। ये जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है ना, ये जब तक प्रोटीन को नहीं लगता तब तक वो प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता, वो इनएक्टिव रहता है। सो आफ्टर प्रोटीन गेटिंग अटैच टू नॉन प्रोटीन कंपोनेंट यू विल गेट एक्टिव प्रोटीन। आर वी क्लियर? यस सर। What are the examples of it? कौन से examples आ जाते हैं इसमें? So सबसे पहला example इसका हम लेंगे ग्लोबिन प्लस हीम, yes or no? Which becomes what? Hemoglobin, right? अभी तो example हुआ, actually इसे हमें कैसे लिखना चाहिए? इसलिए हमें लिखेंगे we would write it to be as protein plus non plus pigment, कोई भी pigment हो सकता है, will give you something called as chromoprotein. It provides us with something called as chromoprotein. For example, you have globin plus heme, which gives you colored protein that is nothing but hemoglobin. Are we clear? Yes. Apart from that, you may have something called as protein plus lipid. It will give you something called as lipoprotein. You might have protein plus carbohydrate. Ab batao ye kya hoga? Very good. Who gave answer? You classify it to be as glycoprotein. You might have something called as protein plus metal, which would turn out to be as metalloprotein. Ab metalloprotein kya hoga? Sare enzymes, most of the enzymes would be classified as metalloprotein. Why? Because for those enzymes to get activated, different types of metals get attached to it. That is the reason you classify that protein to be as metalloprotein. Because enzymes are protein, और उसमें लग जाता है metal, तो बन जाता है metalloprotein. ठीक है? Metalloprotein हम detail में समझेंगे chapter के end में. ठीक है? At the end of this chapter, we will understand metalloprotein in detail. अभी के लिए ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हैं? एनी डाउट्स? पक्की बात? चले आगे। एक और टाइप है जो हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है, नीट में नहीं आएगा कहीं पे, बट जस्ट फॉर अ कॉलेज एग्जामिनेशंस विल लर्न दिस कि ये होता क्या, और प्लस ये चीज तुमको आगे हेल्प करेगा। सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज, इधर लिखो, लिखेगा एवरीवन? You have something called as derived protein. अब ये derived protein क्या होता है? Derived protein, derived मतलब किसी में से बनाना, derivative, derivation यानी किसी में से कुछ बनाना, उसे हम कहते हैं derived. ठीक है? अब derived proteins जो होते हैं ना, वो सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है और मॉडिफाई करके बनाया जाता है। ठीक है? तो जब हम डिराइव्ड प्रोटीन का बात करते हैं, दो एग्जांपल्स हमारे पास है इसमें जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है, एक विच इज कॉल्ड एज पेप्टोन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पेप्टोन? बेसिकली तो व्हेन वी टॉक अबाउट पेप्टोन एज अ कंपोनेंट, जब कभी भी किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी फंगस को हमें आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करना रहेगा, यानी कि लेट्स से सपोज हमारे पास कोई एक पेशेंट आया जिसको एक इन्फेक्शन हुआ है, हम समझ पा रहे हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन
जस्ट टू कंफर्म कि ये कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमने उसका ब्लड सैंपल लिया और उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया मिलेंगे उसे हमें ग्रो करना है। तो हम क्या करते हैं, एक सेमी सॉलिड मीडियम बनाते हैं जिसके अंदर सारे वो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए। अब बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन है, बैक्टीरिया के अंदर भी हमारे सेल के जैसा ही प्रोटीन का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, तो उनको भी प्रोटीन चाहिए ना एज ए सोर्स, यस और नो? यस। तो वो प्रोटीन सोर्स कौन, क्या देते हैं हम लोग? पेप्टोन। वी गिव देम पेप्टोन एज सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो दे कैन ब्रेक डाउन दिस पेप्टोन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स एंड देन एब्जॉर्ब इट। सो पेप्टोन एक्ट्स एज सोर्स ऑफ प्रोटीन व्हाइल ग्रोइंग बैक्टीरियल सेल इन आर्टिफिशियल मीडियम। इंग्लिश बोला, पेप्टोन जो होता है वो प्रोटीन का सोर्स की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जब बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली हमको ग्रो करना रहेगा तब उस समय पे। आर वी क्लियर एवरीवन? एवरीवन जागरे? आवास? 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 बेटर ऐसा दिखा उधर, बाकी 70 बच्चे बैठे इधर, आवाज ही नहीं आता है कुछ, तुमसे बड़ा आवाज मेरा निकल रहा है। पेप्टोन इज क्लियर। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव अनदर प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज मेटाप्रोटीन। ये मेटाप्रोटीन क्या होता है? मेटाप्रोटीन ना किसी भी स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि लेट्स से सपोज आदित्य ना बाहर घूमने गया था, ठीक है, और जब वो बाहर घूमने गया लेट्स से वो ट्रैकिंग पे गया, ठीक है, आसपास कौन सा किला है जहाँ पे ट्रैक करने को जा सकते हैं, हाँ वो वहां पे गया, ठीक है। अब वहां पे जब वो चढ़ रहा था ना और ऊपर हिल तक पहुंचा, तब वहां पे उसको कुछ एक एनिमल मिला, एक विचित्र सा इंसेक्ट था, देख के उसे पता चला कि ये इंसेक्ट है। व्हाई इंसेक्ट कैसे पता चलेगा? ओके, उसके पास विंग्स रहेंगे और मल्टीपल लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा। सो जॉइंटेड अपेंडेजेस और विंग्स देख के उसे पता तो चल गया कि ये इंसेक्ट है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कौन सा इंसेक्ट है। उसके लिए उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर से सारे मेटाप्रोटीन्स निकाले और उन मेटाप्रोटीन्स को उसने मैच किया कि कौन से इंसेक्ट के साथ ये मेटाप्रोटीन मैक्सिमली मैच करता है। जिसके साथ मैच किया ये इंसेक्ट वही है। समझ पा रहे कि नहीं? एक्चुअली इतना आसान नहीं होता, डिफिकल्ट होता है, बट देन जस्ट टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट कि मेटाप्रोटीन्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर वी क्लियर? इफ यू अंडरस्टैंड एवरीवन, कैन आई गो अहेड? सो दीज आर द टू एग्जांपल्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बाय हार्ट करना पड़ेगा क्या इसको? नहीं, हमें सिर्फ इन्हें याद रखने के, बिकॉज इनमें से कुछ भी आ सकता, ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमने कहा वी कैन क्लासिफाई प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे सबसे पहला फंक्शन होता है एंजाइम। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है एंजाइम्स की तरह भी काम कर सकता है। अगर प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर रहा है तो एंजाइम का एग्जांपल बता दो जरा, एक दो। एंजाइम्स इतने सारे पढ़े हम बचपन में, फाउंडेशन वाले फाउंडेशन में पढ़े हैं, एटीपेस, कैटेलेस, ऑक्सीडेस, फॉस्फोराइलेस, अमाइलेस, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस, यस और नो? इसमें ना एक एंजाइम है व्हिच इज कॉल्ड एज रुबिस्को, नाम तो सुना होगा। ये एंजाइम मैंने लाल में इसलिए लिखा बिकॉज इस धरती पे अगर कोई ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, दैट इज रुबिस्को। रुबिस्को इज फाउंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑन दिस अर्थ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर नीट एग्जामिनेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट. ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लांट्स में. प्लांट्स में ये किस में पाया जाएगा? प्लांट्स में कहां पे पाया जाता है? ग्रीन सेल्स में. दे विल बी फाउंड इन ग्रीन सेल्स. ये क्या काम करता है रूबिस्को सर? रूबिस्को हेल्प्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस के समय पे ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है. आर वी क्लियर? रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो इस धरती पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है. पहला सिर्फ एंजाइम ही नहीं, लेकिन ये प्रोटीन भी ऐसा है जो इस धरती पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. समझ पा रहे? अब जब फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिना फोटोसिंथेसिस के कोई लाइफ इस अर्थ पे सर्वाइव करेगा क्या? नहीं ना. तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है. इसका फुल फॉर्म पता है सबको? किसी को? नो वन नोस. चलो फुल फॉर्म करें. इट इज राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस ऑक्सिलेस. ठीक है, ऑक्सिलेस के जगह पे यू कैन ऑल्सो राइट एज ऑक्सीजनेस. राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस ऑक्सीजनेस. यानी कि ये काम क्या करता है रूबिस्को? ये किसी भी शुगर में, किसी मतलब स्पेसिफिकली राइब्यूलोस शुगर जो होता है ना, राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट शुगर जो है, इस शुगर में अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन ऐड करवाएगा. समझ पा रहे हैं? ये एंजाइम क्या करने वाला है? इस पर्टिकुलर शुगर के अंदर या तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है या ऑक्सीजन. शर्वरी किस टाइम पे क्या ऐड करेगा ये डिपेंड करता है कि हवा में क्या ज्यादा है. अगर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड. आर वी क्लियर एवरीवन? चलो आगे. इसके अलावा सेकेंड थिंग, एंजाइम्स कैन बी हॉर्मोन, सॉरी प्रोटीन कैन फंक्शन एज हॉर्मोन्स ऑल्सो. ठीक है, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्मोन विच इज प्रोटीन. प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सारे लिपिड वाले हॉर्मोन होते हैं, इधर नहीं काम करते. ग्रोथ हॉर्मोन, एक जो कल पढ़े थे हम, आसान, दे कैन फंक्शन इन डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मतलब क्या? आर्मी में ज्वाइन करते हैं क्या प्रोटीन? डिफेंस म्हणजे काय? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगल इन्फेक्शन. ठीक है, तो ऐसे काफी सारे अलग अलग प्रोटीन होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस. ठीक है, एक प्रोटीन का एग्जाम्पल तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो टिश्यू वाले चैप्टर में, मास्ट सेल रिलीजेस दिस. बताओ एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है ये. ठीक है, हेपरिन ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता. करेक्ट, और बताओ सेरोटोनिन इज नॉट इम्यून रिस्पॉन्स. फिर क्या? बस जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया जाता है ना, चलो स्टोरी बना के पढ़ते हैं इसको, तुमको डायरेक्ट याद नहीं रहता ना. चलो इमेजिन करते हैं वीर ना इधर सामने वो शोरमा खाने गया,
जाता है ना, बहुत जाता है ना, तो साथ नहीं रहता है ना। वीर लेट्स से कि वो शोरमा खाने गया सामने, ठीक है। अब वो शोरमा वाला उस दिन ना बेचारा बीमार था, तो वो चीख रहा था, खांस रहा था, ऐसे किया फिर ऐसे किया, और शोरमा रख करके उसको दे दिया, ठीक है। जब दे रहा था तब वो चीख भी लिया। अब प्रिटी ऑब्वियस काफी सारे बैक्टीरिया उस शोरमा पे, वायरस भी है। वीर ने उस शोरमा को खाया और अगले दिन गौरव को लेके जा रहा है, बोल रहा है उधर से खाना, मस्त बनाता है वो। उसका मस्त बनता है, ठीक है। अब विद दैट रिस्पेक्ट, वीर ने तो खाया, वीर राजवर्धन को भी लेके गया, वीर गौरव को भी लेके गया और प्रसन्न को भी लेके गया, ठीक है। अब सारे तंदुरुस्त थे, खाली राजवर्धन बीमार पड़ा। कॉन्स्पिरेसी, खाली राजवर्धन बीमार पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? बाकी के तीन बच गए, तीनों ने सेम शोरमा खाया, सेम हाथ से खा बनाया हुआ खाया, फिर भी वही बीमार पड़ा, बाकी तीन नहीं पड़े। ऐसा क्यों? बिकॉज वो तीनों में उनके बॉडी के अंदर एक केमिकल बना था, एक प्रोटीन बना था, कॉल्ड एज एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। साइंटिफिकली यू ऑल्सो कॉल दिस एज इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। साइंटिफिकली वी ऑल्सो कॉल इट एज इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। तो उनके बॉडी में इम्यूनो ग्लोब्यूलिन बन गए और उन्होंने उसको मार डाला। इसके बॉडी में कम बने, वो बैक्टीरिया को नहीं मार पाया, इसलिए वजह से उसको बीमारी हो गई, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ही हो, वायरस भी आ सकता है। वायरस को मारने के लिए एक और प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन। ये सिर्फ और सिर्फ वायरस के अगेंस्ट ही काम करता है। छापने वाले सीधा वायरस ही लिख लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ वायरस के अगेंस्ट ही काम करते। अंडरस्टूड? yes. अरे yes. समझा क्या? yes. That's defense. कुछ पूछ रही थी? नहीं सर, हो गया क्लियर। चले आगे। दूसरा फंक्शनल रोल इसका क्या हो सकता है? दूसरा फंक्शनल रोल में इट कैन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। इट कैन एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यस और नो? प्रोटीन्स जो होता है सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, या बॉडी के अंदर चीजों का ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम? वेरी गुड। क्या आया? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर इन आवर बॉडी, हीमोग्लोबिन जैसा ही एक और। और कुछ? हाँ, इंटीग्रल प्रोटीन्स। थोड़ा तो इंटीग्रल फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स, फैसिलिटेट प्रोटीन दैट इज कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन का एक एग्जांपल है विच इज कॉल्ड एज GLUT4, ग्लट फोर, ठीक है। ये GLUT stands for what? It stands for glucose transporter. It stands for glucose transporter. ये जो ग्लट फोर है ना, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल के अंदर, सेल से बाहर, दोनों। आप क्लियर? अंडरस्टूड? इसके अलावा यू हैव एक्वापोरेंस, पोरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करेगा? बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर बना के देगा। कोई एग्जांपल है हमारे पास? ट्यूब्यूलिन, जो सेल का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, राइट? व्हाट एल्स? कैरेटिन। कैरेटिन विल नॉट कम हियर एज सच बिकॉज दैट विल बी मोर टुवर्ड्स द अनदर प्रोटीन दैट वी आर डिस्कसिंग, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में जाएगा।
चलो ठीक है डाल देते हैं। कैरेटीन बाल बनाता है ना, स्किन भी बनाता है, तो कैरेटीन। फिर क्या कोलेजन सुना है? यस सर। You have something called as collagen. Red में क्यों लिखा मैंने? Animals में सबसे भारी मात्रा में अगर कोई प्रोटीन मिलता है ना, that is collagen. Are we clear? Yes, sir. Everyone? Yes. Everyone? Yes. Any doubts? No. Heparin is not protein. Heparin is sugar. Sorry. ठीक है, हिपैरिन इज शुगर। कौन सा शुगर? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। क्लियर है यहां तक? यस। कोलेजन इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इन आवर एनिमल सेल्स, यानी अपना बॉडी। ठीक है, अच्छा कोलेजन हमको कहाँ पे देखने मिलते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेजन फाइबर्स इन आवर बॉडी? स्टिफ। किससे स्टिफ? स्टिफ। किसे स्टिफ रखता है ये? इसको, बोन को। बोन स्टिफ ही होता है। कनेक्टिव टिश्यू। कौन से कनेक्टिव टिश्यू? डेंस कनेक्टिव टिश्यू को, विच इज नथिंग बट लिगामेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट कोलेजन, आई गिव एन एग्जांपल। जब नॉनवेज खाते हैं लोग, खाते हैं यहाँ पे? Yes. जो नहीं खाते, कितने नहीं खाते? हमने मूवीज में तो देखा होगा, जब नॉनवेज खाते हैं ना, तो खाते समय देखो ऐसा कुछ लॉलीपॉप रहता है, चिकन लॉलीपॉप जिसे कहते हैं, राइट? उसको जब खाते हैं ना, तब ऐसे खाते समय यू हैव दैट व्हाइट कलर्ड स्ट्रिंग जो खींचता है साथ में, टूटता नहीं है, दैट इज नथिंग बट कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, जो आसानी से टूटते नहीं। You have one more example, one more type of functional role that is played by protein, which is contractile protein. It helps in contraction and relaxation. Here you will have actin and myosin as an example, because ये दो ऐसे protein है जो cells को contract और relax होने में help करेगा। मसल्स में भी देखे जाते हैं, करवाया सर ने तुमको? मसल्स में होता है ये, इसके अलावा नॉर्मली हमारे सेल्स में भी होता है। ठीक है, एक्टिन इज प्रेजेंट इन आवर सेल्स इन माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, ये हम पढ़ चुके हैं। सो दैट्स व्हाई दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अमीबा जैसे सेल्स में अगर सुडोपोडियल मूवमेंट करवाना रहेगा तो इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का हेल्प लगता है। इसके अलावा सेल्स के अंदर चीजों का ट्रांसपोर्ट करवाना रहता है ना, तभी भी ये सारे प्रोटीन्स हेल्प करता है। आर वी क्लियर एवरीवन? एवरीवन? एनी डाउट्स? पक्का? क्लासिफिकेशन क्लियर है सबको? विद दैट वी एंड विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Are we clear? Yes. लिखे? Yes. चल। Sir, I was asking antibodies. आपने protein लिखा है।